24x7 में मेक श्योर आज हमारे जो अरुणाचल के बटरफ्लाई मैन के नाम से जाने जाने वाले जो रोशन जी हैं उनके पास आया हूँ, उनसे कुछ जानकारी लेता हूँ कि वो किस प्रकार से बटरफ्लाई मैन ऑफ अरुणाचल के नाम से संबोधित किए जा रहे हैं और उनका आगे आगे क्या ऐसा प्रोजेक्ट है। सुनने में आया है, सोशल मीडिया में कुछ देखने को मिल रहा है कि वो कहीं जाने वाले हैं, तो उसके विषय में भी वो बताएंगे। तो आइए बात कर लेते हैं हम रोशन जी से। और चांगलांग वासी ही है, जन्म से ही यहीं से है, यहीं पला बड़ा है, एवन अभी सर्विस भी यहीं कर रहा है। तो अपार्ट फ्रॉम जॉब हम थोड़ा नेचर में इंटरेस्ट है और स्पेशली बटरफ्लाई को लेके पहले इनिशियल में थोड़ा सीख रहा था, अभी धीरे धीरे इसको एजुकेशन पर्पज़ में यूज़ करता है। बच्चों को थोड़ा इसमें नेचर का तरफ आकर्षित कराने के लिए हम उनको थोड़ा टूर कराता है, जो भी मेरा नॉलेज है उनको शेयर करता है। और बटरफ्लाई मैन ऑफ अरुणाचल ये लोगों का प्यार है, इसके लिए मैं सभी को थैंक यू बोलता है। और अपना चांगलांग डिस्ट्रिक्ट और म्याओ हम नामदफा का पास में ही है, थैंक यू नामदफा टाइगर रिजर्व एंड ऑल द पीपल ऑफ चांगलांग डिस्ट्रिक्ट जिसने मेरे को अपनाया, और अरुणाचल प्रदेश का सभी लोग जिसने मेरे को प्यार दिया और मेरे को एक बूस्ट मिलता है कि वो प्यार से कि नेचर का तरफ काम है। अभी का समय में नेचर बहुत एक बड़ा रोल प्ले कर रहा है। देखिए क्लाइमेट चेंज भी दिख रहा है और आज जैसे हम लोग ने मैसिव प्लांटेशन किया, इसमें भी बहुत बड़ा अंडर पाके डिक्लेरेशन, बहुत अच्छा एक मिशन लाइफ का प्रोग्राम लॉन्च किया मिनिस्टर सर द्वारा, तो ये काफ़ी ओवरऑल अच्छा था। एंड रिगार्डिंग मेरा कहीं बाहर जाना, लाइक मेरे को IIT गुवाहाटी ने इन्वाइट किया है फॉर ए टॉक ऑन द इंटरनेशनल बायोडाइवर्सिटी डे ऑन 22 में। फिर उसका नेक्स्ट दिन ही फिर कॉटन यूनिवर्सिटी में भी एक उन्होंने टॉक के लिए जूलॉजी डिपार्टमेंट ने मेरे को आमंत्रित किया है, तो उसके लिए मैं प्रिपेयर होकर जा रहा हूँ। और वहाँ जाके मैं डेफिनेटली जाके चांगलांग डिस्ट्रिक्ट को ही प्रमोट करने वाला हूँ, क्योंकि मैं जो भी हूँ वो चांगलांग डिस्ट्रिक्ट का स्पेशली नामदफा टाइगर रिजर्व का वजह से ही हूँ। वहीं से मैंने बटरफ्लाई स्टडी किया, वहीं में मेरा बटरफ्लाई का बहुत सारा काम किया, अभी एज ए रिसर्च में भी काम कर रहा है, काफ़ी स्टूडेंट लोगों को भी मदद कर रहा है। तो ओवरऑल यही था। सर मुझे ये चीज़ जानना है कि आपको कौन से ऐसे आपका कौन सा प्रोजेक्ट की वजह से आपको बटरफ्लाई ऑफ मैन कहा गया है। हो सकता है कि मेरा बटरफ्लाई में मेरा बहुत सारा डिस्कवरी है, बहुत सारा रिसर्च पेपर है, बहुत सारा मैंने अपना खोज किया है, बहुत सारा प्रोग्राम किया है, और स्पेशली बटरफ्लाई को लेके हम बहुत सीरियसली काम किया है लास्ट 7-8 साल में। तो उससे क्या हुआ कि बटरफ्लाई का एक जो अवेयरनेस है, स्पेशली बटरफ्लाई टूरिज्म हो गया, बटरफ्लाई स्टडी हो गया, वो सब में अभी एक अवेयरनेस है, तो शायद इसी के लिए लोगों ने प्यार दिया है। और थैंक यू गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश जिन्होंने मेरे को हर जगह सपोर्ट किया, और स्पेशली हम थैंक यू बोलना चाहेगा पुलिस डिपार्टमेंट को, क्योंकि बींग ए पुलिस विथ 24x7 ड्यूटी का साथ साथ मेरे को मेरा डिपार्टमेंट का सीनियर ऑफिसर्स लोग मेरे को इतना प्यार देता है, इतना मदद देता है, तो फ्रॉम द DGP सर टू माई SP सर, OC सर, सबको मैं दिल से थैंक यू बोलता हूँ। और साथ में मैंने आपका वॉइस को भी बहुत सुंदर से सुना हूँ, आपका न्यू ये सोशल प्लेटफॉर्म में आप गाते हैं, आपको मैंने देखा है गाते हुए, तो कुछ आज हो जाए? अरे एक दो लाइन गाना तो गाता है, पूरा तो बाथरूम सिंगर है, फिर भी आप बोला है तो एक गाना गाते देता हूँ। चल चल वे तो बंदे आ उस गली है जहाँ कोई किसी को न जाने, क्या रहना वहाँ पर सुन बंदे आ जहाँ अपने ही ना पहचाने, रह गए हैं जो मुझ में मेरे लम्हे लौटा दे। चल चल वे तू बंदे आ उस गली है जहाँ कोई किसी को न जाने। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद चांगलांग 24x7 से बात करने के लिए। थैंक यू सो मच सर।